हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल रचना की रसोई। आज मैं आप सबके लिए शादियों और पार्टियों में बनने वाला मूंग दाल का हलवा लेकर आई हूँ। इस हलवे को बनाना बहुत आसान है, ना ही हमको इसको घंटों भूनना पड़ेगा, ना ही हमको दाल को बहुत देर तक भिगोना पड़ेगा। और अगर आप ऐसी ही टेस्टी रेसिपीज घर पर बनाना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको ऐसी नई नई रेसिपीज बताती रहूं। और इस हलवे का स्वाद में तो क्या कहना, हम सभी चाहते हैं काश हम भी घर पर मूंग दाल का हलवा बनाते। तो चलिए आज हम झटपट बहुत ही कम समय में मूंग दाल का हलवा बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 कप धुली मूंग की दाल ली है। आप चाहें तो किसी कटोरी से भी नाप ले सकते हैं। अब मैं इसको पानी के साथ 3 से 4 बार अपनी दाल को अच्छे से धो लूंगी। देखिए पहले दाल को धोने पे कैसा पानी आ रहा है। अब हमारी दाल 3 से 4 बार धुल चुकी है, पानी बिल्कुल साफ है। अब मैं इसको एक छन्नी में छान लेती हूँ, जिससे कि दाल का सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब मैं 10 मिनट के लिए अपनी दाल को इस छन्नी में ऐसे ही रख दूंगी। यहाँ पर मैंने एक सूती कपड़ा लिया है, आप चाहें तो कोई टॉवल भी यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने अपनी छनी हुई दाल को डालकर अच्छे से फैला लिया है। इस दाल को 15 से 20 मिनट हम हवा में ऐसे ही रहने देंगे। मुझे 15 मिनट हो चुके हैं, देखिए हमारी दाल भी अच्छे से सूख गई है। अब हम इसको एक कढ़ाई में डालकर सूखा ही यानी बिना घी बिना तेल के हम इसको अच्छे से सेक लेंगे। आप इसको लगातार चलाते हुए ही सेकिएगा। इस तरीके से बनाने से मूंग दाल का हलवा बहुत आसानी से बन जाता है। मीडियम लो फ्लेम पर इसको 10 मिनट तक हमें अच्छे से सेकना है। हमारी दाल काफी क्रिस्पी हो चुकी है। अब मैं इसको एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेती हूँ और इसको ठंडा होने के लिए मैं दाल को रख देती हूँ। अब एक पैन ले, उसमें 2 कप दूध ले और 1 कप पानी डाले। अगर आप कटोरी का मेजरमेंट ले रहे हैं तो आप 2 कटोरी दूध लें और 1 कटोरी पानी का डालें और इसमें एक अच्छा सा उबाल आने दें। उबाल आने लगा है, अब मैं इसमें 300 ग्राम चीनी डालूंगी और इसको लगातार चलाते हुए मैं दूध में घुलने दूंगी। देखिए चीनी अच्छे से घुल चुकी है। अब मैं अपनी गैस को बंद कर दूंगी और आगे का प्रोसेस शुरू करते हूँ। देखिए हमारी दाल भी ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसको मिक्सर जार में डालकर ग्राइंड कर लूंगी। दाल ग्राइंड हो चुकी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए छूने पर हल्का सा दाना महसूस हो रहा है, बस मुझे इसी तरीके की दाल पीसनी थी। अब मैं एक कढ़ाई लूंगी, उसमें 3 टेबल स्पून घी डालूंगी। जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा, 10 से 12 बादाम जिनको मैंने बीच में से 2 टुकड़ों में काट लिया है, 10 से 12 काजू इनको भी मैंने बीच में से 2 टुकड़ों में काट लिया है, इनको डालकर हम हल्का सा भून लेंगे। देखिए हमारे काजू बादाम अच्छे से भून चुके हैं। अब इसी में मैं 1 टेबल स्पून पिस्ता डालूंगी और इसको भी मैं काजू बादाम के साथ अच्छे से फ्राई कर लूंगी। देखिए अब ये फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इनको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब इस बचे हुए घी में मैं 1.5 टेबल स्पून सूजी, 1/2 टेबल स्पून बेसन डालूंगी और इसको मैं लगातार चलाते हुए भून लूंगी। जो शादी या पार्टी में भी हम हलवा खाते हैं, हलवाई उसमें भी सूजी का यूज करते हैं। इस तरीके से हलवा बनाने से हलवा बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है। अब हमने जो दाल ग्राइंड करके रखी थी उसको इसमें डालेंगे और इसको भी लगातार चलाते हुए हम भून लेंगे। देखिए दाल तो अच्छे से मिक्स हो गई है, लेकिन हमारा मिश्रण काफी ड्राई है। अब मैं इसमें 1/4 कप घी फिर से डालूंगी और इसको भी मैं लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर भून लूंगी। घी डालने के बाद देखिए हमारा हलवा कितने अच्छे से भुन रहा है। अगर आप इसमें और घी डालना चाहते हैं तो आप 1 से 2 टेबल स्पून घी और डाल सकते हैं। देखिए बातों ही बातों में हमारी दाल का कलर भी चेंज हो गया है, इसका मतलब हमारी दाल बहुत अच्छे से भुन चुकी है। साइड्स में हल्का हल्का घी भी आने लगा है। अब हमने जो दूध का मिश्रण बना के रखा था चीनी के साथ, थोड़ा थोड़ा करके उसको इसमें डालेंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। आप एक साथ दूध को मत डालिएगा, 2 से 3 बार में हम दूध को डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। मैंने यहाँ पर सारा दूध अब डाल लिया है और इसको धीमे धीमे अच्छे से मैं मिक्स करती जाऊंगी, जिससे इसमें कोई भी गांठे वगैरह ना रह जाए। अब ये अच्छे से
मिक्स हो चुका है। अब मैंने यहाँ पर आधे कप दूध में केसर के कुछ धागों को भिगो लिया था, अब उसको भी मैं इसमें डाल दूंगी और मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए मैं इसको भून लूंगी। मुझे भूनते भूनते 5 मिनट हो चुके हैं। आप चाहें तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून के करीब घी भी डाल सकते हैं, लेकिन आज मैं यहाँ पर घी का इस्तेमाल ना कर 1/2 कप घर की फ्रेश मलाई को डालूंगी और इसको भी मैं लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक भून लूंगी। जैसे जैसे अब हलवा भून रहा है, देखिए इसके साइडों में घी भी निकलने लगा है। इसका मतलब हमारा मूंग दाल का हलवा तैयार है। अब हमने जो अपने ड्राई फ्रूट फ्राई करके रखे थे, उनमें से आधे ड्राई फ्रूट्स मैं इस टाइम हलवे में मिक्स कर दूंगी और अपनी गैस को बंद कर दूंगी। लीजिए, हमारा गर्मा गर्म मूंग दाल का हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है। आप भी शादी व पार्टी के हलवे को घर पर बनाकर एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये हलवा कैसा लगा।